महागठबंधन में रार जारी है। जी हां, बिहार के महागठबंधन में रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी नेता रघुवंश पर कार्रवाई की मांग जारी है। कलह बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्टी इस मामले को थोड़ा और भी तूल देना चाहती नहीं। आरजेडी नेता रघुवंश ने बिहार की राजनीति में शक का ऐसा बीज बोया है जो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। विरोधियों के बयान उसे पनपने की आबोहवा तैयार कर रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस मसले पर चुप हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वो मामले को और रफ्तार देना चाहते हैं। इधर तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ी है। उनके बयानों का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन नहीं करती है और व्यक्तिगत रूप से हम भी बयानबाजी का समर्थन नहीं करते। रघुवंश जी को पार्टी में, वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पद का गरिमा करते हुए ऐसी ओछी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे उनको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग उनको गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा। रघुवंश के बयानों से पार्टी को फर्क पड़ता रहा है, लेकिन उनकी सेहत इससे अछूती रही है। इधर जेडीयू कश्मकश में है। लालटेन की रोशनी उसे चुभने लगी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के आधार पर ये चुनाव लड़कर के ये लोग जीते थे। इन लोगों के चिल्पों करने से कुछ नहीं, हमारा गठबंधन अक्षुण्ण है, मजबूत है, कोई इसमें क्षरण नहीं है। ये लोग, कुछ लोग जो छुटमैया नेता है, वो महागठबंधन में दरार पैदा करना चाहते। जेडीयू और आरजेडी के तकरार पर कांग्रेस डिफेंसिव मूड में है। दोनों को ये समझा रही है कि जनता ने गठबंधन को समर्थन दिया है, संयम से काम लें। देखिए, महागठबंधन को वोट मिला था, अब कौन क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं। बयानबाजी से सब दोनों दल के लोगों को इससे ऊपर उठना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी करके कहीं ना कहीं जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की नसीहत और बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों की खबरों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ऐसे ही किसी बहाने की तलाश में हैं। अगर ऐसा है तो आरजेडी के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं, क्योंकि गठबंधन में नीतीश को अलग कर कोई संभावना सरकार के कार्यकाल पूरा होने तक नहीं है। लेकिन तकरार को यूपी में बीजेपी की जीत का असर बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम पूरे देश में प्रभाव डालने वाला है और देश से बिहार बाहर नहीं है। स्वाभाविक रूप से बिहार के जो बरबोले नेता थे, बड़ी बड़ी बात कहा करते थे, बड़ी बड़ी बात कहने गए उत्तर प्रदेश के अंदर, बिना बुलाए भाषण देने चले गए। जो हश्र उनका हुआ है उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बहरहाल, रघुवंश के बयान के बाद बिहार की राजनीति में घमासान मचा है, लेकिन न नीतीश बोल रहे हैं न लालू। तो क्या ये दोनों किसी चाहत को पूरा होने का माहौल देख रहे हैं? हो सकता है कि बीजेपी की जीत और महागठबंधन घटक दलों से मिले यूपी के चुनाव पूर्व घाव ने नीतीश को टीस देना शुरू कर दिया हो। खैर, रोज रार और तकरार के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। आशुतोष चंद्रा के साथ शैलेंद्र साहिल, जे मीडिया, पटना।